अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ, जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहाँ हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेक अवेज ऑफ PSX फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन के KSE 100 इंडेक्स ओपन्स एट 73,346 इंडेक्स पॉइंट के साथ, और आज वेनसडे के दिन इट मैनेजेस एंड सेटल टू कंक्लूड एट 74,660 इंडेक्स पॉइंट के साथ। मजमूई तौर पे 1,350 पॉइंट्स का इजाफा देखा है इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर बड़े हेल्दी वॉल्यूम्स नजर आए और तकरीबन 308 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन 257 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेनसडे के दिन 240 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पर काम देखा गया इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स, डाउन बाय 7.5% ऑन डे बेसिस। वीक स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी बुलिश सेंटीमेंट्स अक्रॉस द बोर्ड इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स, जहां हमने देखा कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल था। इसमें इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी नजर आई, साइक्लिकल्स के अंदर भी वेवलेंथ नजर आई, क्योंकि आम इन्वेस्टर्स का मानना कुछ इस तरीके से था कि जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है, जो ऑलमोस्ट 10th जून को शेड्यूल है बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसमें एक रीजनेबल पॉलिसी रेट के अंदर कट मिल सकता है, जो कि अभी इस वक्त हम 22% पे हैं। अगर 1% का भी कट आ जाता है तो वो साइक्लिकल्स के लिए मार्केट में फेवरेबल हो जाएगा। तो उसी पार्टिसिपेशन में हमने देखा कि सीमेंट, स्टील, ऑटोज के अंदर एक कदरन बेहतर पार्टिसिपेशन स्टार्टिंग ऑफ द वीक से ही हमें नजर आई। साथ ही साथ एक जो पॉजिटिव एलिमेंट नजर आया इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के अंदर, वो था IMF के साथ न्यू प्रोग्राम के ऊपर बातचीत शुरू होना। जिस तरीके से IMF का वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है और जिस तरीके से बातचीत शुरू हो रही है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के पाकिस्तान की टीम 6 से 8 बिलियन डॉलर के नए लोन के ऊपर बातचीत में कामयाबी हासिल कर सकती है, और अपने बजट के अहदाफ भी उन्होंने IMF के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो वो एक पॉजिटिव और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एक और इन जनरल मार्केट के लिए एक पॉजिटिव एलिमेंट होगा। जो रिस्क फैक्टर है वो सिर्फ मार्केट के अंदर इस वक्त यही है कि जून के फर्स्ट वीक में फेडरल बजट 2024 अनाउंस होने जा रहा है, 2024-25, और इस बजट के अंदर जो गवर्नमेंट के पास कुशन है, जो रूम है, वो बहुत लिमिटेड है कंपेयर टू द प्रीवियस बजट्स, और इस बार कंडीशनैलिटीज जो IMF के पास से डिक्टेट होंगी वो रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कंप्लाइंट ओरिएंटेड होंगी कंपेयर टू द प्रीवियस बजट्स। तो ज़्यादा रूम नहीं है बजट के अंदर नए टैक्सेस आएंगे, विच इज़ वेरी मच नोन टू द जर्नल इन्वेस्टर। तो आई डोंट थिंक सो कि मार्केट के लिए कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, बट सिंस वी आर स्टिंग एट द हायर लेवल ऑफ द इंडेक्स राउंड अबाउट 74,000 एंड अबव, तो यहाँ एक प्रॉफिट टेकिंग को हम कंसिडरेशन में ले सकते हैं, एंड विच इज़ अगेन अ वेरी हेल्दी साइन फॉर द मार्केट एज वेल, कि अगर यहाँ माइनर लेवल की या स्लाइट करेक्शन भी मार्केट एब्जॉर्ब कर ले तो वो एक मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए और हेल्थ के लिए बेहतर होगा। From the sales perspective, focus relatively on the cyclicals, especially cement, steel, autos. जब थोड़ा dip ले, corrective mode में आए, तो उनके अंदर trading momentum 20-30% portfolio का बनाया जा सकता है। बाकी look forward for the high dividend yield stocks, especially in the banking, E&P and fertilizers. So please share your valuable feedback here at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is relatively important to us. Till then, I, Faisal Dhedi, signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.